जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा यूपी टेट की एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो विविध के साथ साथ पर्यावरणीय अध्ययन में भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। अगर भविष्य में आपको एक सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सिलेक्शन से पूरी तरह से संबंधित है और यहाँ पे हर एक प्रश्न वो प्रश्न है जो परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना चाहते हैं, अभी तक बने हैं, तो जल्दी से कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि तो इसके साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है और क्लास खत्म होने के बाद इस अध्याय का एक बेहतर नोट्स आपके हाथों में होगा। तो चलिए बिना देरी किए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निःशुल्क लाइव क्लास राष्ट्रहित और देशहित में लेने के लिए आपके बीच प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव आता हूँ, जिसका मेरा उद्देश्य है कि आपको एक सफल शिक्षक या शिक्षिका बनाना और आपका उद्देश्य है आपको अपना बेस्ट देना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे सब इस प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अमेरिकी संविधान। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने एकदम सही बताया, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में कुल अधिकार की संख्या अगर वर्तमान में पूछेगा तो कुल अधिकार 6 हैं, और अगर मूल पूछेगा मूल में तो मूल संविधान में 7 थे। तो यहाँ पे आपको प्रश्न तैयार हो जाएगा और यहाँ पे आज के टॉपिक में भारतीय संविधान के साथ साथ हम लोग मूल कर्तव्य भी पढ़ेंगे। तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, जिसका वर्तमान में अगर देखेंगे वर्तमान में तो क्या था 11, पहले कितना था, पहले तो 10 था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ें तो एक बात हमेशा ख्याल रखें, आपको सिलेक्शन लेना है, इसे हर चीज़ को लिखते चलिएगा ताकि आपके लिए एक बेहतर नोट्स आपके हाथ में होगी। हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने भी हमारे इस देश के भावी अध्यापक और अध्यापिका हैं, वे सभी फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि यह क्लास का एकमात्र उद्देश्य है आपको एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनाना, तो आपका उद्देश्य आपको अपना बेहतर देना। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, क्या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। सभी साथी, क्योंकि आप लोग पढ़ने पे ध्यान दें, बात करने पे नहीं, क्योंकि वही लोग सफल होंगे जो अपना बेस्ट देंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ पर होगा मूल अधिकारों का संरक्षण। यहाँ पे मूल अधिकारों का संरक्षण कौन कौन करता है, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो आर्टिकल 32 से करता है। वही अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो यह आर्टिकल 226 के अधीन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो प्रश्न आपके और तैयार हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे करता है संविधान के अनुच्छेद 32 से। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा हृदय की संज्ञा दी थी, और हाई कोर्ट की बात की जाए तो 226 दो अनुच्छेद आपको याद रखना है, और यह आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपसे वादा किया था कि ये जो मैराथन क्लास आपके चल रही, विविध जीएस और साइंस की क्लास जो चलेगी प्रतिदिन 9:30 बजे, इसका एकमात्र उद्देश्य आपका सिलेक्शन होगा, आपको नौकरी दिलाना होगा, बस आपको अपना बेस्ट देना है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक करते चले। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। जब हम प्रारंभ की बात करते हैं तो हम मूल संविधान की बात करते हैं। जी हाँ, प्रारंभ की जगह यहाँ पे एक प्रश्न और कहता है मूल संविधान में। मूल संविधान क्या है पता है आपको, मूल संविधान वो है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उसे हम मूल संविधान की संज्ञा देते हैं। तो जो भी साथी हमारे प्यारे शिक्षक लोग जुड़ चुके हैं, उनसे एक निवेदन है कि वीडियो को पहले लाइक करने के बाद जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि
अगर आप एक ईमानदार शिक्षक बनना चाहते हैं और आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो लोगों की मदद करना शुरू करिए, लोगों को पहुंचाना शुरू करिए, लोगों की तक इस वीडियो को पहुंचाइए। कर भला तो हो भला, बाकी आपकी इच्छा। लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें। प्रारंभ में मूल अधिकार संख्या 7 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 6 है, तो ये आपका वर्तमान है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा लगा, सभी ने इसका सही जवाब दिया। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर आ गया है कि भारतीय संविधान में किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, भाग एक की बात की जाए, इसमें है संघ राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर हम भाग दो की बात करें तो नागरिकता है। अगर हम भाग चार की बात करें तो भाग चार में क्या है किसी को पता है? भाग चार और तीन में जल्दी से बताइएगा। ये है नीति निर्देशित सिद्धांत की बात करता है। भाग तीन की बात करेंगे तो ये मूल अधिकार की बात करता है। कौन सी अधिकार? मूल अधिकार है। अब आपको प्रश्न को फटाफट कमेंट करके बताना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसके अनुच्छेद को भी हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। मूल अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। नीति निर्देश सिद्धांत की बात करें, भाग 4 में है। अगर इस अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद कितना है? 36 से लेकर 51 तक है। नागरिकता अगर देखा जाए तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। ठीक है, मैंने आपको पहले इस बात को बता दिया था, यह आपको सिलेक्शन वाली क्लास है, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। अगर आपको लग रहा है इस वीडियो से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, व्हाट्सएप के ग्रुप में। बताएं आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि आप लोगों ने, जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण। मैंने यहां से कितने, पता कितने प्रश्न बने? नागरिकता भाग दो में आता है अनुच्छेद 5 से 11, भाग एक में क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, किसने? अनुच्छेद 1 से लेकर 4। नागरिकता मूल अधिकार क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति से क्या है? 36 से 51 तक है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, आपके डिस्प्ले पर है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अधिकार में है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कमेंट करके बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम कौन सा अधिकार है? राइट टू फ्रीडम किस से लेकर कहाँ तक है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखिए, अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही दिया है। जी हाँ, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और शेयर किया, ईश्वर करे वो जब भी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर देने जाए उनका हर एक गोला सही हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 19 से लेकर 12 तक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का सही जवाब होगा। और लाइक करने वाले जिंदगी भर ऐसे करते रह जाए, ठीक है, इसलिए वहाँ पर भी गोला उनका ऐसा ही हो जाए। हाँ, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 19 क्या है, 20 क्या है, 21 क्या है, 22 क्या है, आगे भी बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, वहां पर भी हम लोग एक एक करके तथ्यों को पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है। संविधान की धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकता है? अगर आप वीडियो को प्रारंभ से देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो का उत्तर तुरंत बताएंगे, इस प्रश्न का जवाब आप तुरंत दे लेंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, क्योंकि आपको भविष्य में शिक्षक बनना है और आपको अपना बेहतर देना है। मैंने आपको बताया था उच्चतम न्यायालय धारा 32 अर्थात अनुच्छेद 32
याद रखिएगा, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी थी। यह इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेगा, रिट कौन जारी कर सकता है? सभी साथी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। देखिएगा, रिट जारी करने की बात है तो रिट दो लोग जारी कर सकते हैं, कौन कौन, आइए उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जानने का प्रयास करते हैं। एक यस्सी अनुच्छेद 32 से, दूसरा 80 226 से। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर उच्च न्यायालय होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कैसे रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। जबकि अगर यस्सी की बात करता, यस्सी माने सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32, तब क्या होता? अनुच्छेद 32 एकदम यूनिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा, साथ में नोट्स बनाते हुए लिखते चलिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर बार बार प्रश्न रिपीट होता है, तो बार बार आपको पढ़ना होगा, प्रश्न की भाषा में अंतर होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अभी मैं बता दूँ पाँचों रिट कौन कौन सी होती है, तो अभी कहेंगे सर अभी आगे बताइएगा क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न आने हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट क्लिक करते चलिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर आदेश को जारी करता है? माने उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो छोटे न्यायालय को निम्नतर न्यायालय को जारी करता है, जैसे जिला न्यायालय को जारी करता है। तो जरा कमेंट करके बताइएगा सभी साथी मित्र, जितने लोग को सरकारी शिक्षक बनना है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, ये सक्रिय कक्षा लगनी चाहिए। भले वीडियो को मत शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो जवाब जरूर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रतिषेध रिट जो होता है किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी किया जाता है। ये ऐसा अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा ना करे जिसमें ये नियुक्त न हो, इसलिए ये होगा प्रतिषेध। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, क्योंकि यह कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को अपनी जो विधिक होती है सीमाओं या अधिकारिता से बाहर जाने से प्रतिबंधित करती है और न्याय के नियमों का उल्लंघन करने से रोकती है। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति अपने दायरे में है, जैसे अगर आप एक सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनते हैं तो आप अपने दायरे में रहें, अगर आप दायरे से बाहर जाते हैं तो आपके लिए भी प्रतिषेध जारी कर सकता है, लेकिन यह केवल अपने विभाग के लिए जारी करेगा, जैसे निम्नतर या कनिष्ठ न्यायालय के लिए होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी का राइट आंसर होगा। अभी मैं आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताऊंगा, अधिकार परीक्षा के बारे में बताऊंगा, मैं सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि यहां से चाहे यूपी टेट की बात की जाए, सुपर टेट की बात की जाए, कहीं से भी तैयारी करेंगे यहां से प्रश्न जरूर आता है, इसलिए आप इसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, जो लोग देख रहे हैं, जिसे इस प्रश्न का मतलब क्या है, यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए बिना वजह, उसे छोड़ने के लिए, उसे जमानत देने के लिए, उसे रिहा करने के लिए जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा, तो इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। जैसे अगर मुझे कोई भी पुलिस बिना बताए मुझे उठा ले जाती है, और अगर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में नहीं रखती है, मजिस्ट्रेट सामने नहीं पेश करती है, या किसी भी गलत मुकदमे में पकड़ ले जाती है, उस दशा में हमें छोड़ने का आदेश देने का काम कौन करेगा? चाहे सुप्रीम कोर्ट करेगा, चाहे हाई कोर्ट करेगा। इसलिए इस प्रश्न का जवाब बी राइट आंसर होगा। अभी हम परमादेश को पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षण पढ़ेंगे, अधिकार परीक्षा पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिषेध पढ़ेंगे। प्रतिषेध तो आप लोगों ने पढ़ लिया, मान उनके दायरे में रखने के लिए जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण उनको स्वतंत्रता का आधार है, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, निरुद्ध रूप से छोड़ने की बात करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बंदी प्रत्यक्षीकरण डेट जारी की जाती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे निःशुल्क हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। तो जो भी मेरे प्यारे शिक्षक साथी हैं, जो भी प्यारे मित्र हैं, वे सभी लोग इसमें जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और एक एक कर इन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात आपको जानना होगा, एक बात देखना होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। मैंने ऊपर अभी इस बात को समझाया था, अगर आपने मेरी बात को गौर से समझा होगा, मेरी बात को आपने गौर से जाना होगा, तो आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे लेंगे। जी हाँ मेरे साथ शिक्षक साथी, यहाँ पर आप लोगों ने एक बात गौर से समझा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने एक बात आपको स्पष्ट रूप से बताया, अगर पुलिस आपको उठा लेती है बिना किसी कारण बताए तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प सी होगा, मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में। और आप लोग अगर गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको बार बार कहता हूं कि गलतियों से सीखिए, हमारी जो मैं बातें बताता हूं उसे ध्यान से सुना करिए और उसके बाद तब जाके आगे आप काम करिए, यकीनन आप सफलता के लिए और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ पढ़कर और पढ़ाकर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइए। जी हाँ मेरे साथियों, सभी साथी फटाफट बताएं कितने प्रकार के न्यायिक आदेश की बात की गई है। चलिए तब तक हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, पहला क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। दूसरा ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, परमादेश है, क्या है परम, ये हो गया परमादेश है। अगर हम तीसरे की बात करें हैं तो तीसरा जो आपका है ये प्रतिषेध है, ठीक है। तीसरा क्या है प्रतिषेध है। अगर हम चौथे की बात करें तो क्या है उत्प्रेषण है। अगर हम पांचवें की बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा है। आगे इन सभी के बारे में फिर से दोबारा व्याख्या कर देंगे, ठीक है। हम आगे आपको इसको कई बार व्याख्या रूप में बता देंगे। जरा आप लोग बताइएगा, सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अब आपके अनुसार कितने प्रकार के, जी हाँ सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करें, कितने प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। सभी साथी जल्दी से फटाफट, क्योंकि आपके में इतना डीप में नहीं जाएगा एकदम घुसकर पूछे, तो ऐसी बात नहीं है कि एकदम अब घुसकर पूछे। तो भैया अब आप लोग एक बार जल्दी से दोबारा यह बताने का प्रयास करें, यह समझने और समझाने का प्रयास जरूर करें। चलिए नहीं बताएंगे तो हमारा काम, देखिए हमने आपको पहले बताया ना कि हमारा जो काम है वो आपको सिलेक्शन तक लेके चलना है, वो तो मैं लेकर चलूंगा, आप बताएं ना बताएं, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो एकदम साफ है, ये हो गया इसका उत्तर ए, 5 इसका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लोग जोर लगा के और शेयर कर दीजिए, बहुत कम संख्या है यार, एक बार और जोर लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम नहीं शेयर करेंगे तब। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिट की विशिष्ट व्यवस्था की गई है, किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। विशिष्ट व्यवस्था किस प्रकार के रिट को की गई है, नहीं की गई है, यहाँ पे नहीं की गई है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके देखिएगा। देखिएगा अभी ऊपर मैंने बताया परमादेश बताया, प्रतिषेध निषेध और व्यादेश नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हमारे और आपके सामने नहीं आई हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर स्पष्ट करके बता दिया। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों ने एकदम नई देखी जो मैं अभी यहाँ पर आपको बताया, इसलिए इसका उत्तर सी एंड डी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो दोनों गलत हैं वही दोनों सही होंगे, ठीक। कोई दिक्कत यहां से, कोई समस्या अब आपको नहीं है ना? चलिए जब नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, तीन जोड़ा सही है, एक जोड़ा सही नहीं है, और आपको गलत जोड़ा बताना है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, जो भी भविष्य में एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, वो जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन तक ले चलना, और हम इस काम को जरूर पूरा करेंगे। सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब जरूर दें। चलिए, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तब तो हम और आगे बढ़ते ही रहेंगे ना। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के अनुसार समानता की बात करता है। एकदम सही बात है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यहाँ पर एकदम ये सही बात कह रहा है कि यहाँ पर ये कंडीशन है। ठीक, चलिए, अनुच्छेद 16 कहता है समान अवसर, ये भी सही है। उपाधियों का समापन, ये है आपका अनुच्छेद 18, मानिए गलत हुआ। देखिए यहाँ पर सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये क्या है, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 17 क्या है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, अस्पृश्यता का अंत है, यहाँ पर होना चाहिए था अस्पृश्यता का अंत, इसलिए जो गलत है वही सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आपके परीक्षा हाल में आते हैं तो आप ऐसी गलतियां मत करिएगा, कभी दोहराइएगा भी नहीं, नहीं तो फिर आपसे गलतियां होंगी, फिर इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और कोई व्यक्ति यहां पर नहीं होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? अगर नहीं आया है तो पूछिए, हम आपको कई बार बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा करेगा। ध्यान से देखिएगा, कितना आसान प्रश्न है, लेकिन प्रश्न की जो भाषा है वो थोड़ी सी घुमावदार है, लेकिन जब आपको पढ़ना है तो घुमावदार से कब तक भागेंगे, कब तक उससे दो दो हाथ करेंगे। हमें तो आपको सिलेक्शन जो लेना है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। अरे यार, देखिए आप लोग गलत सही जवाब देना सीखिए, गलती ना होगा कोई गोली थोड़ी ना मार देगा, बताइए क्या गलती होने पर कोई व्यक्ति आपको गोली मार सकता है? नहीं मारेगा। चलिए देखिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसान है, एकदम एकदम आसान है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पर इसका होगा समानता का अधिकार, सभी को दिया गया है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, सभी को इसका अधिकार दिया गया है। जितने भी लोग हैं सभी को क्या किया गया, इसका अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में राज्य दायित्व तो धीन है कि किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, वो कोई व्यक्ति हो। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन जीने का एक कौन सा अधिकार है। एकदम आसान प्रश्न है, जैसे मैं जी रहा हूं तो आपको बताइए ये जीवन जीने का, आपके जीने का ये कौन सा अधिकार है। जी हाँ मेरे शिक्षक साथियों, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट, ये वीडियो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इलेनी भी दुर्गेश पर लाइव चल रहा है, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं, सभी टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ जाएं, बाकी सभी क्लासेज आपको मिलेंगी, टेट सी टेट सुपर टेट शिक्षक भर्ती केवीएस डीएसएस भी, सभी लाइव क्लासेज निःशुल्क पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार ये मौलिक अधिकार है, कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये किसके अंतर्गत रखा गया है, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। समझ में आया, एकदम रट्टा मार लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आपको सिलेक्शन जो लेना है। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जैसे मैं बोल रहा हूं आप बोल रहे हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
ये किस अधिकार के अंतर्गत आती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। और देखिए, अगर ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। ये क्लास आपकी जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से संचालित की जाती है और 9:30 बजे ये क्लास पूरी तरह से फ्री चलती है। मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में निःशुल्क राष्ट्रहित में देशहित में शिक्षा देने के लिए आपके लिए लाइव आता हूँ, जिसका उद्देश्य है आप भी सफल होकर भारत के लिए, इस देश के लिए कुछ बड़ा काम करेंगे। तो बताइए, शेयर तो कर नहीं रहे हैं आप लोग, और क्या बड़ा करेंगे बताइए। जितने लोग लाइव हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, सबको लगता है सर जी को पैसा कट जाएगा या मिल जाएगा। ऐसा नहीं है यार, मेरी मेहनत का फल लोगों तक पहुंचे। यकीनन आप जिस दिन परीक्षा से बाहर निकलेंगे आप एक बात जरूर कहेंगे, आपने बहुत सही समय पर ई लर्निंग विद दुर्गेश को चुना था। चलिए, यहाँ पर एक बात आपको जानना चाहिए कि अभिव्यक्ति जो होती है, जो बोलिंग क्षमता होती है, ये आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है। अगर इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 उपखंड 1 क के अंतर्गत ये आता है। क में वर्णित है वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, इसलिए ये स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि 19 में स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मेरी बात सुनते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। जी हाँ मेरे शिक्षक साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। ये ऐसे प्रश्न है जब परीक्षा में सीधा सीधा हूबहू यही प्रश्न ही आएंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें, मानव व्यापार निषेध किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। सभी साथी जवाब देंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जवाब सबको देना है, क्योंकि नौकरी सबको करनी है, सिलेक्शन सबको लेना है। बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके, मत शेयर करिए लेकिन जवाब जरूर दीजिए। अगर आपकी आत्मा कहेगी, आपका हृदय कहेगा, तब शेयर करिएगा। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार तहत जो मानव व्यापार की बात की जाती है, यह अनुच्छेद 23 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 में दिया गया है। और हमने बताया था 12 से लेकर जो 35 तक है वो मूल अधिकार है, और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसी व्यक्ति का शोषण के विरुद्ध अगर कोई अधिकार है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। मानव दुर्व्यापार, बेगार, सभी प्रकार के बलात् को प्रतिषेध किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को समझ कर रखिएगा, ये हूबहू परीक्षा में आएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? कमेंट करके बताइएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? कमेंट करके बताइएगा। समानता का अधिकार किसमें है? कमेंट करके बताइएगा। और 6 से 14 वर्ष से कम उम्र वाले बालक को से काम करवाना कौन सा अधिकार का हनन है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? आप बताइए, इसमें से 3 मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार नहीं है, वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। ध्यान से देखिएगा, पहले जब संविधान बना था उस समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 6 कर दी गई। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन, जी हां 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और अब इसे संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, अब इसे रखा गया कहां? अनुच्छेद 300 क में। कहां रखा गया? अब इसे 300 क में रख दिया गया। ये एक विधिक अधिकार हो गया। अब ये क्या हो गया? एक प्रकार का विधिक अधिकार हो गया। कौन सा अधिकार हो गया? एक प्रकार का विधिक अधिकार हो गया। जी हां मेरे इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, लगे रहिएगा, इस तरह सफलता जरूर आपका कदम चूमेगी। आप लोग लगे रहिए, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ मेहनत करते रहिए। बस मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। आप बताइएगा, स्वतंत्रता का अधिकार किस में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार। ये आप लोग पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, रट्टा मारना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार नहीं रहा? कितना मजेदार प्रश्न है, और मैं अब चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप दे, मैं इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका आपको स्क्रीनशॉट अपने फेसबुक पर डालना चाहिए, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर डालना चाहिए।
सोचिए कितना घुमाकर प्रश्न पूछा है, लेकिन एक लाइन में सीधा सीद्ध सीधा कह सकते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, ये विधिक अधिकार बन गया। तो भैया मालिक वो था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में। जी हाँ, उठा के कहां फेंक दिया गया, 300 क में विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार बना दिया गया। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ लगे रहते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और अब रेस के घोड़े हैं, ठीक। अगला प्रश्न है आपके सामने, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, देखना है, 10 सेकंड है आपके पास, इस 10 सेकंड में कौन इस प्रश्न का जवाब देता है। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ये शिक्षक भर्ती की एक महत्वपूर्ण क्लास है जो आपके लिए 50 नंबर के लिए चलेगी। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। यार कितनी बार हमने बताया ये संपत्ति का अधिकार है, ये काम का अधिकार ये किसमें है? नीति निर्देशित सिद्धांत में है, न्यायिक उपचार का अधिकार नहीं बात कही गई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे, इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं ऐसे लगे रहिएगा, फोड़ देना है शिक्षक भर्ती परीक्षा, एक सीट लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? जवाब दीजिएगा, प्रश्न वही है, बस घुमा घुमा कर पूछ रहा है, केवल इसलिए ताकि आपको प्रश्न की भाषा समझ में आ जाए, और जब परीक्षा हॉल से बाहर निकले हम गर्व से कहें कि जितना हमने पढ़ाया था उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया। इस बात की गारंटी देता है आज की क्लास आपको। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? अरे यार जवाब दीजिए, गलत या सही कुछ भी बताइए तो सही, ये विधिक अधिकार है, ठीक। कई बार मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार हटाकर एक सामान्य अधिकार बना दिया गया? फिर वही प्रश्न है, केवल क्या है कि बस भाषा प्रश्न की बदला है, मैं आपको इतना बार घुमाकर पढ़वा दूंगा कि कभी भविष्य में गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपको अंतोगत्व सरकारी नौकरी दिलानी है, बस आप ऐसे मेहनत करते रह जाएं, इसका उत्तर संपत्ति का अधिकार होगा। रट गया ना प्रश्न, किसी को नहीं भूलेगा ना। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है आपके बीच, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? एकदम है संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया, 300 कम उठा के फेंक दिया गया है। अगला सवाल, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से किसके शासन काल में हटाया गया? इस प्रश्न का जवाब आपको दे देना है। सोचिए इस हलवा में भी क्या आ गया, एक रसगुल्ला आ गया, इस हलवा वाले क्वेश्चन में एक रसगुल्ला आ गया, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? जरूर जवाब दीजिएगा, जरूर से उत्तर बताइएगा, सभी साथी जवाब देंगे, बताइए। देखिए उस समय हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार हट चुकी थी, 42वें समय जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय इंदिरा गांधी थी, 44वें के समय जनता दल की सरकार बनी थी जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे, ठीक है। इन्होंने अनुच्छेद 300, देखिए अच्छा एक प्रश्न पूछेगा, संपत्ति का अधिकार पहले किसमें था? तो पहले अनुच्छेद 31 में था, ध्यान दीजिएगा, पहले किसमें था? अनुच्छेद 31 में था। यहां से निकाल कर कहां ले गए, कहां ले जाया गया? 300 क में, यह बात याद रखिएगा, कहां से 31 से उठाकर 300 क में कौन ले गया? मोरारजी देसाई की सरकार, यह बात आप लोग जानते रहिएगा, समझ में आया। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अनुच्छेद 31 में था, उसे उठाकर विधिक अधिकार बनाया गया, 300 क में रखा गया मोरारजी देसाई की सरकार में, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अब बताइए वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल, संविधान का आत्मा, संविधान का हृदय कहा था? यह मैंने शुरुआत में बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग से कोई भी गलती नहीं होगी। जी 44वें संविधान संशोधन जो 44वां हुआ था उसमें मोरारजी देसाई थे, क्योंकि यह 1978 में हुआ था ना, 42वें में इंदिरा गांधी थी, ठीक है। कुछ लोग गलती कर रहे थे तो मैं बता दूं, गलती मत करिएगा। क्या होगा,
सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 अगर यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर न दिया गया होता तब प्रस्तावना उत्तर होता, तब क्या होता, प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना भी विकल्प में ना होता तब भाग तीन होता। भाग तीन क्या है कमेंट करके बताइएगा। सोचिए इस प्रश्न को, विकल्प को तीन तरह पे लगाएंगे, अगर अंबेडकर नहीं देता तब प्रस्तावना लगाते, प्रस्तावना विकल्प नहीं है तो भाग तीन अर्थात मूल अधिकार लगाते, लेकिन यहां पर अंबेडकर जब कह देगा तब अनुच्छेद 32 होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। तीनों याद रखिएगा, जब अगर अंबेडकर शब्द न कहता तो उद्देश्य का प्रेम बल होता, प्रस्तावना होता, ठीक है, लेकिन अगर वो भी विकल्प ना होता तब मूल अधिकार को भी लगाते, लेकिन यहां पर संविधान उपचारों का अधिकार दिया है इसलिए इसका विकल्प हम ए का ही चयन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा था। एकदम आसान प्रश्न, एकदम हलवा प्रश्न है, सभी साथी जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, ये वीडियो फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर भी निःशुल्क लाइव चल रहा है, जल्दी से फटाफट कॉमेंट करें, जल्दी से फटाफट कॉमेंट करिएगा जो लोग लाइव देख रहे हैं। अरे यार, डेली 9:30 बजे चलती है, जो लोग नए आ रहे हैं वो 9:30 बजे डेली लाइव आ जाया करेंगे, मोबाइल में अलार्म लगा लेंगे अपने। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अनुच्छेद 32 की बात हो रही है, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जहां से रिट जारी की करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। 5 रिटों के बारे में मैंने आपको भी जिक्र किया था, वे सभी अनुच्छेद 32 से होते हैं, इसलिए हमारे आपके अधिकार का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट 226 ये कहां दिया गया है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। क्लियर हो गया, रट गया होगा यार, अब तो मेरी क्लास में अगर आपको रटे ना, ऐसा हो नहीं सकता। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये मैंने ऊपर पढ़ाया था, ये मैंने ऊपर बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां पर जितने लोग राइट हैं वो सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखिए, 4 में नीति निर्देशी सिद्धांत है, 2 में नागरिकता है, 5 में संघ की कार्यपालिका है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की बात कही गई है, फंडामेंटल राइट की बात की गई है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प सही उत्तर होगा वह डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक मत करिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक वॉल पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेस की स्वतंत्रता बहुत बार पूछता है, अखबार की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। एक सीट आपको लेनी है, एक सीट आपको रिजर्व करनी है अपनी, तो आज आपको खुलकर जवाब देना होगा, खुलकर प्रश्न का उत्तर देना होगा। गलती हो जाए चलेगा, लेकिन परीक्षा हाल में गलती ना होने पाए इस बात को आपको याद रखना होगा। जल्दी से बराबर कमेंट करिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्या होगा। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता 19 उपखंड 1 क अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहला होगा। अनुच्छेद 16 क्या है कमेंट करके बताइएगा, अनुच्छेद 14 क्या है कमेंट करके बताइएगा, जीवन जीने की स्वतंत्रता क्या है वो 21 में है, 16 क्या है बताइएगा। सभी साथी, ऊपर मैंने बताया था, 14 भी मैंने बताया है, 16 भी मैंने बताया है, 21 भी मैंने बताया है, तो आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि सारा हमने बता दिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, सारा रट्टा मारते चलिए, सिलेक्शन जो लेना है। अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। पता है आपको, आपको सभी मूलाधिकार मिलते हैं, लेकिन हमारे देश के सैनिकों को सारे मूलाधिकार नहीं मिलते हैं, तो बताइए कौन कौन सा, कौन अधिकार नहीं मिलता, फटाफट कमेंट करिए जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करें। यार मुझे याद हो सकता है, आपको नहीं याद होगा, कोशिश करिए, सिलेक्शन लेना है। बस एक बात याद रखिएगा, आपको नौकरी क्यों करनी है, अपने माता पिता को उम्मीद है, पता है जिस दिन आप सफल होकर आएंगे आपके पिताजी आपके माताजी कितना खुशी होगी, आपके परिवार को सोचिए, कल्पना करिएगा। आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पढ़िए, अपने समाज के लिए पढ़िए, मेरे लिए मत पढ़िए, मेरे लिए वीडियो को मत शेयर करिए, उन लोगों के लिए करिए, कर भला तो हो भला। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, कौन सा आर्टिकल उनके लिए प्रतिबंधित है, उनके लिए जो प्रतिबंधित है वो है अनुच्छेद 33 है। क्या है अनुच्छेद 33 है,
ये संसद द्वारा कानून बनाया गया है कि सशस्त्र बलों के सदस्य, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों इन अधिकार की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। आप देखते होंगे सुरक्षा बलों को पत्थर मारिए, बेचारे आपका कुछ नहीं कर सकते, इसी के लिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, रट लीजिए, क्योंकि यह यूनिक प्रश्न है जो पूछा जाता है परीक्षा में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, अभियुक्तों को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाएगा? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अनुप जी बहुत सही जवाब दिया आपने, फटाफट कमेंट करिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, 10 सेकंड है आपके पास। अभियुक्तों को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाएगा? बताइए क्या माना जाएगा। देखिए, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिक स्वतंत्रता का, अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 उपखंड 3 में इसका वर्णन किया गया है। किसी भी अभिव्यक्ति, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कह सकता। जैसे अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आप अपने गवाही खुद नहीं करेंगे कि मैं मर्डर किया हूं या मैं मर्डर नहीं किया हूं, तो कोई व्यक्ति को स्वयं उसकी गवाही के लिए बाध्य नहीं कह सकता। इसका अधिकार अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, कोई व्यक्ति को उसके खुद के लिए वो गवाह नहीं बन सकता, खुद के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम कहो कि तुमने मारा है, ये नहीं कहा जा सकता। ये कहां पे दिया गया है? ये भारत के संविधान अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत दिया गया है, व्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया गया है। आपको समझ में आ गया? हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न की तरफ। जी हाँ, जय हिंद, जितने लोग जुड़ते जा रहे जय हिंद बोलते चलते। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? सभी साथी एक बार फटाफट कमेंट करें, अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है किस आधार पर दी गई है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, गलत या सही सभी जवाब दें। देखिए, धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की मान्यता दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, लेकिन यहां पे गलती करिएगा। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग के जनसंख्या का अनुपात, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। रट लीजिए, धर्म के आधार पर है, भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। रट लीजिए, परीक्षा हाल में गलती नहीं करना है, ठीक है? सी नहीं होगा। अगर सी ऐसा होता तो फिर अल्पसंख्यकों को हटाने की बात नहीं चलती। आपने देखा होगा प्राय इसको लेकर विवाद होता है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका जिक्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका जिक्र नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। परीक्षा में गलती मत करिएगा, वरना पॉइंट से छट जाएंगे तो मुझे और आपको बहुत तकलीफ होगी। आपके माता पिता के उम्मीदें हैं आप, गलतियां मत करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। समझिए क्या कह रहा है प्रश्न। ये मत सोचिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कहता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष की बात होती है कि हमारा देश भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, लेकिन अल्पसंख्यक की मान्यता धर्म और भाषाई आधार पर दी गई है। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। मौलिक कर्तव्य जो है वो बाद में जोड़ा गया, कौन से? ये भारतीय संविधान के भाग 4(क) में है। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में बनाया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये मूल संविधान का हिस्सा ही नहीं था, इसे तो बाद में बनाया गया है। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, एकदम रटिए इसको, किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कब कब बनाया गया? यह अनुच्छेद कौन सा है? तो भैया मालिक, ये अनुच्छेद 51(क) है।
इसमें पहले मूल कर्तव्य कितने थे, मतलब मूल अगर पूछा जाए पहले तो 10 थे, अब 11 है। कब जोड़ा गया, इसे 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 कहां से, रूस सोवियत संघ से लिया गया। किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में लाया गया। इसको ध्यान से देखिएगा, एक बात आप हमेशा ख्याल रखिएगा, इसमें एक चीज आपको महत्वपूर्ण मिलेगी जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये मूल संविधान का हिस्सा था ही नहीं, ये बाद में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया, और इसलिए इसमें 10 कौन कौन थे संविधान, देखिए अगर 10 लिखना, देखिए पहला क्या था, संविधान के आदर्शों का पालन करना, संस्थाओं राष्ट्रध्वज का आदर करना, राष्ट्रगान गाना। अगर हम दूसरे की बात करके, मुझे पूरा याद नहीं है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को सजोए रखना, फिर भारत की संप्रभुता पर कभी संकट ना, एकता अखंडता को कभी कुछ होने ना पाए, देश की जब भी रक्षा की आह्वान किया जाए चौथे में हमें वहाँ पे जाना चाहिए। फिर कहता है कि भारत के सभी लोग को भातृत्व की भावना, समानता की भावना, समरसता की भावना होना चाहिए। हम सभी भारत में अनेक जाति धर्म लोग मजहब के हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, भारतीय हैं। फिर इसमें कहता है हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की झीलों की और उनकी रक्षा समर्थन करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद को बढ़ाना चाहिए, सामाजिक सार्वजनिक जो संपत्ति सरकारी संपत्ति को बचाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, हिंसा से दूर रखना चाहिए, व्यक्तिगत समूहों राष्ट्रों को उत्कृष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और बाद में जोड़ा गया 11वां, 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सभी अभिभावकों को अपने बालकों को क्या करना चाहिए, विद्यालय तक पहुंचाना चाहिए। अब कितने हैं, 11 है। इसलिए इस प्रश्न का अंतर कौन सा नहीं आता, तो नहीं जो पूछ दिया है वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये मूल अधिकार है। ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करना है, सद्भावना को बढ़ाना है, यही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है यार, आपकी संख्या फिर कम हो जा रही है, एक बार जोर लगा के हैया शेयर कर दीजिएगा, एक बार और कर दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए। अच्छा बार बार कहते हैं आप एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात मानते हैं इसका मतलब आप अपनी शिक्षा का सम्मान करते हैं, और जब ये करते हैं ईश्वर भी आपका सम्मान करेगा और आपको हर उस प्रश्नों से बाहर निकालेगा जो परीक्षा हाल में आपके सामने होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा एक मौलिक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं, बताइए। देखिए अभी हमने इस प्रश्न को बताया, सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों को उन्मूलन करना, ठीक, क्लियर हुआ। ये संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा करना, ये नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी। डी क्या है यहाँ पे, सही। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, अभी मैंने ऊपर जवाब पढ़ाया है, अगर आपने ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ा होगा तो तुरंत प्रश्न का जवाब दे लेंगे और आपके एक अंक पूरे पक्के हो जाएंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संयुक्त सोवियत संघ रूस से लाया गया था, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मैंने शुरुआत में बता दिया। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, सभी साथी फटाफट कॉमेंट करें। देखिए ऑनलाइन वाले जो जानकारी चाहते हैं वो इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, ये क्लास जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है पूरी तरह से फ्री, बाकी सभी क्लास के लिए सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं,
दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश से। ये जो क्लास आप पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती की मैराथन क्लास, जहां पर मेरा उद्देश्य आपको सरकारी शिक्षक बनाना है, ये क्लास 9:30 बजे चलती है। अलार्म लगा लीजिएगा अगर आपको लगे ये क्लास आपको सिलेक्शन दिला सकती है। देखिए पहले कितने थे, 10 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 12, माने 2002 के बाद से अब कितने हो गए, 11। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, सी अर्थात 11 इसका राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। पहले 10 थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 11। लेकिन ये भी जी हाँ, ये कब जोड़ा गया, ग्राहमा कब हुआ, देखिए एक प्रश्न आता है 10+1 कब हुआ, तो हुआ 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन संशोधन 2002 के बाद। 86 में क्या जुड़ा, ग्राहमा जुड़ा, कौन सा, ग्राहमा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से है, जरा कमेंट करके बताइए फंडामेंटल ड्यूटी से कौन सा अनुच्छेद है। मैंने ऊपर पढ़ाया है, जो चीजें मैं पढ़ा देता हूं मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, इससे बाहर आपका नहीं है। बताइए फटाफट कमेंट करके, फंडामेंटल ड्यूटी 51 का में है, मूल कर्तव्य किसमें है, 51 का में है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी। इससे बाहर परीक्षा प्रश्न नहीं आएगा, रट लीजिए। अगला है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11, ऊपर भी मैंने बताया। ठीक यार, आपसे सूत्र 11, 1000 से ऊपर संख्या आपको पहुंचानी है, ये किस दिन कर पाएंगे आप, ये आपके ऊपर है। एक टारगेट रखेंगे 11 है, 1000 आप लोग संख्या पहुंचानी है। अगर आपकी आत्मा आपका हृदय ये कहे कि मैं वास्तव में जो पढ़ा रहा हूं वो परीक्षा वाले प्रश्न है, तब चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। ठीक, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जल्दी जल्दी करिए। देखिए नए तरह के प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें बताएं, ये नए तरह का प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ये क्लास आपकी 9:30 बजे चलती है, फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल पर लाइव चलती है, पूरी तरह से निशुल्क। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, अगर टेलीग्राम ऐप आपके पास पहले से होगा, दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग में, दुर्गेश सर उसे ज्वाइन कर लेंगे। मैं जे गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको निःशुल्क पढ़ाता हूँ 9:30 बजे लाइव आकर। अधिकार कर्तव्यों का, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, क्या करता है, अनुदेशित करता है। ठीक है, संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसलिए कहा जा सकता है अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। अधिकार के आधार पर ही अपने कर्तव्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर लें। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। एकदम यूनिक प्रश्न है, लेकिन यहां पर एक बार पढ़ने के बाद परीक्षा हाल में गलती नहीं होगी। यार मेरा गला बैठ रहा है और मैं थोड़ा सा क्लास जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा, आपकी संख्या भी नहीं बढ़ रही और मेरा गला भी बैठ रहा है। चलिए, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालयों को, ए और बी। ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, केवल प्रश्न की भाषा बदल रही है, सवाल वही है जो शुरुआत में आए थे, सवाल वही है जो शुरुआत में आए थे, बस फर्क इतना है अब की बार प्रश्न की भाषा बदल रही है और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, इसलिए ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब इसका डी इसका राइट आंसर है। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, डी वालों का उत्तर राइट आंसर है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्यामय कसम है, आप लोग जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जितने लोगों ने शेयर नहीं किया वो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करें। विद्यामय कसम कहते ही कुछ लोग हंसने लगेंगे। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, बताइए कमेंट करके बताइए कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट कर बताइए।
मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? देखिए आप लोग को जवाब देना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सभी को जवाब देना चाहिए, मैं ये मानता हूं। मैं तो देता हूं भैया। देखिए अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए और उसमें किया जाए निलंबित करना, तो राष्ट्रपति के द्वारा। आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, लेकिन स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति जब 352 किस अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के समय कुछ को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है कैबिनेट की सलाह पर। इसको आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, जब आप लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़कर पढ़ेंगे, पूरी क्लास से पढ़ेंगे, तो आप इन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आप लोग चाहे तो जुड़े, आपकी इच्छा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान, किसी भी दशा में, किसी भी दशा में नहीं? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी जल्दी फटाफट कमेंट करें और इस प्रश्न का भी जवाब दें, क्योंकि जितने भी इस वीडियो को देखने वाले भावी शिक्षक और शिक्षिका हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग केवल प्रश्न पर उत्तर पर ध्यान दें, यहाँ पे बातचीत ना करके इसे व्हाट्सएप और फेसबुक का सोशल चैट का अड्डा ना बनाएं, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी करनी है और हमें भी अपने हर काम से, अपने क्लास में पढ़ाने के बाद, अपने विद्यालय से वापस आने के बाद, अपना जो समय मिलता है उस समय को भी मैं तोड़कर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान। ये कब लगता है? ये लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, ये लगता है अनुच्छेद 360 जो आज तक भारत में कभी नहीं लगा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, एस का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद, जनता, मंत्रिमंडल? कमेंट करके बताइए। प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, केवल प्रश्न की भाषा बदल रही है। सोचने वाली बात है कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रश्न का उत्तर वही दे लेगा जो मेरी बात को समझ रहा होगा, जो प्रतिदिन टाइम से क्लास में लाइव आता होगा, वही इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएगा, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पर एक बात आपको जानना होगा, जी हाँ, संसद होगा, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है और कैबिनेट जो होती है वो हमारी भारतीय संसद से मिलकर बनती है, ठीक है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, पार्लियामेंट इज ए राइट आंसर। देखिए प्रश्न की भाषा केवल बदल रही है। कुछ लोग कह रहे सर बार बार प्रश्न ही कैसे लाते हैं आप, केवल भाषा बदलना है, क्योंकि परीक्षा हाल में भाषा बदलती है, ठीक। अगला है, कौन सा अनुच्छेद क्षमता का अधिकार का प्रावधान करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए अब हमारी आवाज गला बैठ रही है, इसलिए मुझे क्लास खत्म करना पड़ेगा। आप लोग सपोर्ट करें ना करें, अब मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम क्लास ओवर कर देंगे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कितना भी इंसान मेहनत कर ले, आपका सपोर्ट जरूरी होता है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद क्षमता का अधिकार का है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपका है कि जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार जो है, ये समानता का जो अधिकार है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। और बाकी आपको बताना है अनुच्छेद 19 क्या है, कमेंट करके बताएंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे अगर अभी तक आपने नहीं लिखा होगा। 21 क्या है, ये परीक्षा वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं। 20 क्या है, ये सभी अनुच्छेद एक ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं। अभी मैं पूछूं यहाँ पर इसी विकल्प में से कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी दशा में, तो कमेंट करके बताइए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आप उसको कमेंट करके बताएं, खोज कर बताएं।
चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नागरिकों विदेशियों को कौन से अधिकार दोनों को प्राप्त हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। जी हाँ, मेरे देश के भावी अध्यापक की अध्यापिकाओं, ऐसे ही आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहिए। ईश्वर करे आप लोग जल्दी से सहायक शिक्षक बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, साथ ही साथ गरीब बच्चों को भी मेहनत से पढ़ाएं, उन नौनिहालों को उनकी वास्तविक उड़ान तक लेकर चले। नागरिकों विदेशियों को दोनों को जो प्राप्त है मैंने शुरुआत में बताया था। जी हाँ, अगर आप मेरी बात को गौर सुन रहे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो देंगे, विधिक अधिकार है। जैसे अगर किसी नागरिक को कोई व्यक्ति गोली मार देता है, हमें मार देता है, तो क्या होगा, दोनों के लिए सजा दिलाने का प्रावधान तो किया जाएगा ना। तो इसलिए भारत में विधिक अधिकार नागरिकों, भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिक को दोनों को दिए गए हैं, जबकि राजनीतिक अधिकार जो होता है यह केवल सिविल अधिकारी को प्राप्त होता है, ठीक है। और कतिपय मौलिक अधिकार ही सभी नागरिकों विदेशी दोनों को प्राप्त, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, या अगर आप नोट्स बना लेंगे थियरी से कम नोट्स आपका नहीं होगा। जितने लोग नोट्स बना लेंगे वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने लोग इस नोट्स बना रहे हैं वो मेरे व्यक्तिगत नंबर 9506701777 भेज सकते हैं, ताकि मैं भी देखता रहूं कि आप लोग कैसे बना रहे हैं। ये मेरा खुद का नंबर है, जी हाँ, ये दुर्गेश्वर का नंबर है, जहाँ पर आप भेज सकते हैं। बताइएगा मूल अधिकार केवल भारत नागरिकों के लिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है, अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। देखिए केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है तो वह है ये, कैसे, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। जीवन जीने की स्वतंत्रता क्या है? देखिए भारतीय संविधान के मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। आइए देखते हैं कौन कौन भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, पता है किसी को? देखिए लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 15 केवल भारतीय को, अनुच्छेद 16 केवल भारतीय को, ठीक, अनुच्छेद 19 केवल भारतीय को, अनुच्छेद 29 केवल भारतीय को, अनुच्छेद 30 केवल भारतीय को, ठीक है। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति का अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 19 में आता है। समानता का अधिकार किस में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सभी आर्टिकल्स आपको बताने हैं, ठीक है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे अधिकार हैं जो केवल केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। इसलिए इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बाकी जितने भी हैं वो भारतीय विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी भी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद के द्वारा? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी जवाब दीजिएगा। देखिए गलत या सही आपको सभी को उत्तर देना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरा निवेदन है आप सभी लोग प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि सभी को सरकारी शिक्षक बनना है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या होगा, अनुच्छेद 27 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जी हाँ, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 27 है, किसी व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा उसके प्रचार प्रसार के लिए अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे कर देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 27 में दिया गया है। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है, यह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। यह बहुत यूनिक प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये क्लासेस जौनपुर जनपद से संचालित होती हैं, 9:30 बजे फ्री क्लास आपको लाइव चलती है, शिक्षक भर्ती की स्पेशल क्लास है। देखिए इस प्रश्न का अगर उत्तर की हम बात करें तो अनुच्छेद 29 है। क्या है अनुच्छेद 29? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा का विचार तथा प्रावधान करती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शीर्ष का सही जवाब होगा, शीर्ष का राइट आंसर होगा। अगला है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि अब आप लोग उतनी मदद नहीं कर पाए जितनी आपको करनी चाहिए, इसलिए टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, दोनों जगह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे आपको ढेर सारी क्लास की लिंक, पीडीएफ सब कुछ निःशुल्क मिलती रहेगी। और साथ ही साथ ये क्लास आपको प्रतिदिन 9:30 बजे इलनेबे दुर्गेश पर लाइव चलती है। दूसरी बात आपको और जाननी चाहिए, अगर आपको ऑनलाइन संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। प्रायः ये क्लासेज जो है ये जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से संचालित की जाती है। जो क्लासेज मेरे द्वारा एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं आपको निःशुल्क पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सरकारी शिक्षक बनाना। बाकी सी टेट, यू पी टेट, सुपर टेट, के वी एस के लिए आप जानकारी ले सकते हैं, टेलीग्राम जुड़े रह सकते हैं। यह क्लास एक समय में फेसबुक पेज पे इलर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश पर, दोनों पर मेरे द्वारा निःशुल्क आपको लाइव चलाई जाती है, क्योंकि ये देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा आपको इस देश का एक बेहतर शिक्षक बनाने में काफ़ी मदद देगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, जरूर पूछिएगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा, मैं सदैव आपके सामने बेहतर करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी ज्योग्राफी देखी थी, मेरी संविधान देखिएगा, मेरी हिस्ट्री देखिएगा, ठीक है, संस्कृत छोड़कर आप मेरे सारे विषय देख लीजिएगा, ठीक है, आपको लगेगा वास्तव में एक बेहतर क्लास चल रही थी, ठीक है। चलिए, आपके मन में कोई सवाल हो पूछेगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, लाइक कर दिया करिए, उससे आपके पैसे नहीं कटेंगे ना आपको मुझे पैसे मिल जाते हैं, बस कर भला तो हो भला। अगर नेक दिल इंसान की तरफ मेहनत करेंगे जरूर आप सफल होंगे। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं हमेशा टाइम से लाइव रहता हूँ, मैं अपने सारे काम छोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि आपका कैरियर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जल्दी आपके लिए करंटली क्लास में शुरू कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन, सब कुछ सही रहा तो आपको जल्दी इसकी भी गुड न्यूज मिलेगी। जी हाँ, मेरे प्यारे भारत के भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा। कल से आप लोग लाइव रहेंगे ना 9:30 बजे, कहना तो नहीं पड़ेगा ना, आप लोग गायब रहते हैं, क्लास शुरू हो जाती है तब आप लोग आते हैं, 1-2 मिनट में लेट हो जाता हूँ, मेरे पास भी समस्या है, प्रेशर है, हम भी इंसान हैं, 24 घंटे मेरे पास भी होते हैं, तो समझिए इस चीज़ को, ठीक है, चलते हैं तब, पुनः जय हिंद। कल रहेंगे ना 9:30 बजे आप लोग, यार अपने लिए रहिए, मेरे लिए मत रहिए, आपको नौकरी करनी है, आपको माता पिता को खुश करना है, मालिक उनकी उम्मीदें हैं आप सब, अब बाय बाय। इसका उत्तर 29 था, 14 क्या था कमेंट करिएगा, 19 क्या था, 32 क्या था कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ठीक, ये गलत है, ये सही है, नहीं कुछ लोग कहेंगे पता नहीं क्या मास्टर वो पढ़ा रहा है,